नमस्ते दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका और एक नए वीडियो में। मेरा नाम है तेजस। आज हमारे पास है Vivo का T2X और Realme का 11X। ये दोनों भी हैंडसेट 5G के अंदर ही आती है और यहाँ पे दोनों भी हमारे पास X सीरीज वाले वेरिएंट अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे दोनों में से कौन सा हैंडसेट यहाँ पे बेटर दिया है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस की अगर बात करते हो तो सिर्फ 1000 रुपए का डिफरेंस दिया है यहाँ पे आपको 6GB वाले वेरिएंट के अंदर। उस प्राइस सेगमेंट के अंदर ये दोनों हैंडसेट कैसे आते हैं तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बैक साइड में अगर देखते हैं तो ये दोनों भी फोन जो है आपको डुअल रियर कैमरा और फ्लैश लाइट के सेटअप के साथ में दी है। बैक स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे पूरा मैट फिनिश के अंदर, वीवो के अंदर मैट फिनिश के अंदर आ जाता है बैक स्ट्रक्चर। रियलमी के अंदर आपको ग्लास डिजाइन दिया है ये बैक में। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे अपनी अपनी कंपनी की ब्रांडिंग भी देखने को मिलती है। यहाँ पे इन हैंड फीलिंग की अगर बात करेंगे तो थोड़ा कंफर्ट यहाँ पे वीवो का हैंडसेट आ जाता है। काफी ऐसे इन हैंड के अंदर काफी कंफर्ट दिया है यहाँ पे वीवो का हैंडसेट रियलमी के मुकाबले अगर देखते हैं तो। वेट और थिकनेस की अगर बात करते हैं तो 184 ग्राम का वीवो का वेट दिया है, रियलमी का 190 ग्राम। थिकनेस यहाँ पे रियलमी की आ जाती है 7.8 mm की और वीवो की दी है 8.1 mm। इस साइड अगर देखते हो तो यहाँ पे दोनों भी फोन के अंदर आपको वैल्यूम अप डाउन की पावर की मिल जाती है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में दिए ये दोनों भी फोन। ऊपर की साइड में आपको सेकेंडरी माइक का ऑप्शन दिया है। नीचे की साइड में आपको मिलता है टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, हेडफोन जैक, माइक एंड स्पीकर। प्लस पॉइंट के अंदर रियलमी के अंदर और एक ऑप्शन मिल जाता है ट्रिपल सिम स्लॉट। वीवो के अंदर आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का सिम स्लॉट दिया है, रियलमी के अंदर आपको ट्रिपल सिम स्लॉट मिलता है। एक्सपेंडेबल 1TB तक के कर सकते वैसे दोनों भी फोन के अंदर, अगर आप एक सिम लगा सकते वीवो में तो। यहाँ पे बैटरी और कैमरे की अगर बात करते हैं तो 5000mAh की बैटरी दी है दोनों भी फोन के अंदर। चार्जर के अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है, वीवो के अंदर सिर्फ 18 वाट का चार्जर दिया है, वही रियलमी के अंदर 33 वाट का। कैमरा जो यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा तो सेम दिया है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, लेकिन बैक कैमरे के अंदर थोड़ा डिफरेंस दिया है। वीवो के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा दिया है, रियलमी के अंदर 64 मेगापिक्सल। वैसे कैमरे के अंदर अगर देखते हैं तो दोनों भी फोन के अंदर आपको स्लो मोशन, टाइम लैप्स, पोर्ट्रेट मोड ऑप्शन दिया है। वीडियो रिकॉर्डिंग जो ये दोनों भी फोन के अंदर आप फुल HD और HD के अंदर ही कर सकते हैं। 4K का ऑप्शन है यहाँ पे दोनों भी फोन के अंदर आपको नहीं दिया है। यहाँ पे फर्स्ट वाला फोन Realme का है, सेकंड वाला Vivo का है। यहाँ पे कैमरा क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो बैक कैमरे की जो क्वालिटी है, कलर रिजोल्यूशन, शार्पनेस की अगर बात करते हैं तो थोड़ी बेटर इमेजेस क्वालिटी Realme के अंदर देखने को मिल जाती है। जैसे कलर डिटेलिंग जो ये भी काफी अच्छा दिया है और काफी शार्पनेस के साथ में इमेजेस कैप्चर करते हैं यहाँ पे Realme के अंदर। एक एक करके आप इमेजेस चेक कर सकते हैं। ये वाली जो सेल्फी है दोनों भी फोन के अंदर आउटडोर के अंदर ली है नाइट मोड ऑन करने के बाद, तो थोड़ी इमेजेस क्वालिटी अगर देखेंगे तो नॉइस तो दोनों भी फोटो के अंदर देखने को मिलता है। थोड़ी बेटर क्वालिटी जो ये रियलमी के अंदर थोड़ी ठीक देखने को मिलती है। अगर आप आर्टिफिशियल लाइट्स के अंदर अगर इमेजेस कैप्चर करेंगे तो आर्टिफिशियल लाइट्स के अंदर वीवो की कैमरा क्वालिटी थोड़ी बेटर आ जाती है। जैसे इंडोर के अंदर में भी हमने कुछ इमेजेस ली है, ये जो ये पोर्ट्रेट मोड के अंदर इमेजेस कैप्चर की है और ये इंडोर के अंदर, तो यहाँ पे कैमरा क्वालिटी जो ये सेल्फी की थोड़ी बेटर वीवो की दी है इंडोर के अंदर। अगर लो लाइट के अंदर अगर इमेजेस कैप्चर करते हैं तो रियलमी की थोड़ी लो लाइट के अंदर अच्छी आई है, लेकिन ज़्यादातर सेल्फी की जो क्वालिटी है ये वीवो की अच्छी दी है और बैक कैमरे की जो क्वालिटी है ये रियलमी की अच्छी आ जाती है। यहाँ पे डिस्प्ले जो यहाँ पे आपको रियलमी के अंदर डॉट पंचोल स्क्रीन के साथ में दिया है, वही वीवो के अंदर वाटर ड्रॉप नॉच स्क्रीन से यहाँ पे वीवो के अंदर आ जाती है 6.58 इंच की, रियलमी के अंदर आपको दिया है 6.72 इंचेस। थोड़ा सा ऐसा लार्ज डिस्प्ले देखने को मिल जाता है रियलमी के अंदर। वही यहाँ पे दोनों भी फोन के अंदर आपको फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन दिया है, IPS LCD मिल जाती है। रिफ्रेश रेट यहाँ पे 60Hz का वीवो में दिया है और 120Hz का रिफ्रेश रेट यहाँ पे आपको मिलता है रियलमी के अंदर। टच क्वालिटी जो ये काफी स्मूथ वर्क करती है यहाँ पे रियलमी में। इसके अलावा अगर ब्राइटनेस की बात करेंगे तो दोनों भी फोन के अंदर वैसे ब्राइटनेस की कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आउटडोर के अंदर आसानी से आप अपना काम कर सकते हैं, आसानी से वर्क कर सकते हैं आउटडोर के अंदर। प्रोसेसर जो यहाँ पे आपको दिया है वीवो के अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 6020, वही आपको रियलमी के अंदर में भी सेम दिया है मीडियाटेक का ही प्रोसेसर, लेकिन यहाँ पे 6100 प्लस का दिया है। दोनों भी फोन के अंदर आपको ऑक्टोकोर प्रोसेसर मिल जाते हैं। क्लॉक स्पीड की अगर बात करते हैं तो 2.2 GHz की क्लॉक स्पीड दी है। दोनों भी फोन आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 के साथ में मिल जाते हैं और यहाँ पे फैब्रिकेशन रियलमी के अंदर आपको दिया है 6 नैनोमीटर, वीवो के अंदर आ जाता है 7 नैनोमीटर। 5G बैंड्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे वीवो के अंदर 6 5G की बैंड दी है, वही रियलमी के अंदर 9 5G की बैंड मिलते हैं। सिक्योरिटी के अंदर तो यहाँ पे दोनों भी फोन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आते हैं।
फेस अनलॉक पैटर्न, पिन, पासवर्ड वगैरह के जो ऑप्शन है, ये दोनों भी फोन के अंदर आपको दिए हैं। प्राइस की अगर बात करते हैं तो वीवो का जो हैंडसेट है ये दिया है आपको 14,000 रुपए में और रियलमी का मिल जाता है 15,000 रुपए में। प्राइस सेगमेंट के हिसाब से अगर देखेंगे तो 1,000 रुपए का डिफरेंस है, लेकिन 1,000 रुपए ज्यादा देके रियलमी के अंदर आपको बहुत सारी अच्छी चीजें मिल सकती है। जैसे यहाँ पे कैमरा क्वालिटी बैक कैमरे की थोड़ी बेटर दी है, इसी के साथ यहाँ पे ये हैंडसेट नए लुक पे अंदर आ जाता है और यहाँ पे आपको 33 वाट का चार्जर भी मिलता है, थोड़ा फास्ट चार्जिंग भी दिया है। इसी के साथ ये हैंडसेट आपको डॉट पंच आउट स्क्रीन के साथ में दिया है, वो चीज आपको वीवो के अंदर कहीं ना कहीं मिसिंग लगती है। वीवो के अंदर सेल्फी की क्वालिटी ठीक दी है लेकिन बैक कैमरे की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन दी है। ये हैंडसेट आपको सिर्फ 18 वाट के चार्जर के साथ में आ जाता है, चार्जिंग की जो स्पीड है ये थोड़ी कम देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे दोनों में से एक हैंडसेट अगर बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे रियलमी का हैंडसेट थोड़ा सा बेटर दिया है वीवो के मुकाबले अगर देखते हैं तो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।